जानी मानी एडवोकेट और बीजेपी की कार्यकर्ता नाजिया इलाही खान ने साधा ममता सरकार पे निशाना, बताया बंगाल में सरकार नहीं कार्टून चल रहा है और बताया यहाँ टोपी पहनकर टोपी पहनाया जा रहा है। आइए देखते हैं पूरी बात नाजिया इलाही के साथ उनके एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। टोपी पहनकर टोपी पहनाने का सबसे ज्यादा कार्यक्रम बंगाल में चल रहा है और ये बंगाल में शारदा नाथा चिटफंड क्यों हो रहा है, कोयला चोरी क्यों हो रहा है, गोरू चोरी क्यों हो रहा है, गोरू प्रचार क्यों हो रहा है, कैटल स्मगलिंग क्यों हो रहा है, एसएससी वाले 577 दिन से क्यों बैठे हैं, क्यों उनके बच्चों का जन्मदिन सालगिरह जो है वो रोड पे मनाया जा रहा है। श्रेया इस बात नहीं है कि अब तृणमूल का नया पहाड़ आ रहा है, वो पहचानते ही नहीं थे, तो हंसी तो इस बात पे आती है ना। देखिए पश्चिम बंगाल की सरकार जो है वो कोई सरकार नहीं चल रही है, कार्टून सीरियल चल रहा है। हम लोग गुड लो ऑलवेज टेक इट्स ऑन कोर्स, लेकिन तृणमूल कांग्रेस तो कह रही है कि वो उनको पहचानती भी नहीं है। आश्चर्य तो इस बात की है ना। देखिए जो जो गलत करेगा वो बिहाइंड द बार जाएगा, जो गलत होगा, जो क्राइम करेगा, जो जनता को बेवकूफ बनाएगा, जो सरकार के पैसे को अपने घर का माल समझेगा, अपने बाप का पैसा समझेगा, वो अंदर जाएगा, वो बिहाइंड द बार जाएगा। लो ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स ना। लेकिन आश्चर्य इस बात की है कि अब तृणमूल का नया पहाड़ आ रहा है कि वो मानिक को जानते ही नहीं थे, वो पहचानते ही नहीं थे, तो हंसी तो इस बात पे आती है ना। देखिए पश्चिम बंगाल की सरकार जो है वो कोई सरकार नहीं चल रही है, कार्टून सीरियल चल रहा है। हम लोग बचपन में देखते थे ना मोटू पतलू, वही चल रहा है। मैं क्या बोलूं, मैं तो कह रही हूं लो ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स, मैं तो नहीं कह रही हूं कुछ भी, मैं तो कह रही हूं कि लो ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स। मैम बीजेपी क्यों, आपके एक नेता है फरहाद हकीम जो कहते हैं कि पोर्ट मिनी पाकिस्तान है, तो क्या है, क्या पोर्ट भी अजमल कसब बनाता है, पैदा करता है, क्या पोर्ट के गलियों में हथियार असेंबल करना सिखाया जाता है, क्या खिदरपुर और मोमिनपुर के गलियों में कूचों में आतंकवादी पैदा किया जा रहा है। दो दिन पहले हमने देखा एक थोड़ा सा ट्रेलर या प्रोमो भी कह सकते हैं। हमारी चीफ मिनिस्टर श्रीमती ममता बनर्जी को एक हिंदू घर की महिला को, ब्राह्मण महिला को मुस्लिम खिलाफत कमेटी ईद की नमाज में बुलाती है, क्या कुरान इस बात की इजाजत देता है, क्या कुरान इस बात की इजाजत देता है, क्या कुरान के किसी पन्ने में यह लिखा हुआ है कि एक महिला, एक हिंदू महिला ईद की नमाज में जाकर के प्रोवोकेटिव और पॉलिटिकल वेंडेटा बाहर करे, भारत के प्रधानमंत्री को गाली दे, एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी को सीबीआई और ईडी को गाली दे, क्या ये अनुमति है कि आप 21 जुलाई से जिहाद आप डिक्लेयर करें, वो भी भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में, क्या हमारा संवैधानिक हक नहीं है कि हम अपनी बात रख सकते हैं, क्या हमारा संवैधानिक हक नहीं है, कोई अपोजिशन पार्टी नहीं हो सकती है पश्चिम बंगाल में। अरे आपके बंगाल में ही बहुत इश्यूज हैं, ये दो टोपी पहनकर टोपी पहनाने का सबसे ज्यादा कार्यक्रम बंगाल में चल रहा है और ये लाई लाहा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सर पे दुपट्टा रख करके गरीब को अवतार खिलाइए, बड़े बड़े नेता मंत्री को अवतार खिलाने से और मुर्गा का रान तोड़ने से कुछ नहीं होने वाला। देखिये लोगों को कंफ्यूज तो कर रही है बेचारी श्रीमती ममता बनर्जी, अपने ही मंत्र का उच्चारण दुर्गा पूजा के मंच पर गलत पढ़ देती है, ब्राह्मण होते हुए मुझसे पहला कलमा पूछिए, आयतल कुर्सी पूछिए, सूर्य फतह पूछिए, मैं पढ़ूंगी, बहुत अच्छा पढ़ूंगी, और खास करके सूर्य फतह तो बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ, बिकॉज आई नो हाउ टू वैंक्विश एनी वॉर एंड बैटल। समझ में आई बात। देखिए सीआईडी को जो वो अभी इतना एनर्जेटिक और एक्टिव कर दी है, वो कहीं ना कहीं माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है कि मेरे सरकार के अंदर की जो टीम है, मेरे सरकार की जो बनाई हुई पुलिस है, वो भी बहुत अच्छी है। लेकिन हम कैसे भूल जाए पार्क स्ट्रीट रेप केस, बलात्कार करने के बाद बोल दिया गया कि साजानो घटना क्योंकि वो मुसलमान था, बिल्किस बानो के कल्प्रेट को अगर रेमिशन ग्राउंड पे छोड़ दिया जाता है तो हमारे पश्चिम बंगाल के जितने नेता मंत्री हैं वो धरना पे बैठ जाते हैं सारा काम धाम छोड़ करके, लेट मी फिनिश। लेकिन नासिर खान को रेमिशन ग्राउंड पर अगर 400 दिन पहले छोड़ दिया जाता है तो उसके लिए कोई बात ही नहीं होती, कोई मीडिया बात ही नहीं करना चाहता है, क्यों नहीं बात करना चाहता है, पश्चिम बंगाल का मीडिया क्यों नहीं बात कर रहा है कि नासिर खान क्यों छूटा 400 दिन पहले, क्योंकि उसने भी तो बलात्कार किया था एक फॉरेनर लड़की का, क्या हमारा स्टेट बदनाम नहीं हुआ, क्या पश्चिम बंगाल को बदनामी का सामना नहीं करना पड़ा,
क्या काकोली दस्तेदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हुए उन्होंने नहीं कहा था कि औरत का बीच में पैसा का तोल मोल हुआ था? क्या औरत की इज्जत इतनी ही है पश्चिम बंगाल की सरकार के अंदर में? बात नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बात नहीं करेंगे। अरे यूपी में क्या हो रहा है यूपी की सरकार संभालेगी, केरला में क्या हो रहा है केरला की सरकार संभालेगी, भारत में क्या हो रहा है ना मोदी जी संभालेंगे, पश्चिम बंगाल में शारदा नारदा चिटफंड क्यों हो रहा है, कोयला चोरी क्यों हो रहा है, गोरू चोरी क्यों हो रहा है, गोरू प्रचार क्यों हो रहा है, कैटल स्मगलिंग क्यों हो रहा है, एसएससी वाले 577 दिन से क्यों बैठे हैं, क्यों उनके बच्चों का जन्मदिन सालगिरह जो है वो रोड पे मनाया जा रहा है, क्यों दुर्गा पूजा में वो बेचारे नए कपड़ा नहीं पहन पाए, आप चले जाती हैं सर पे दुपट्टा रख करके ईद की नमाज में गाली देने के लिए, ये कुरान बताया है? शर्मानी चाहिए यहाँ के मुसलमानों को जो रोक नहीं रहे उनके पैर को। 2019 में फरहाद हकीम ने भारतीय जनता पार्टी को स्वर्ण बादशाह भी कहा था, 2019 में CISF को पिग कहा था, सुअर कहा था, मार 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 साला स्वर्ण बादशाह बीजेपी के, मार मार मतलब हम लोग स्वर्ण बादशाह है और वो बानोनर बादशाह मे बी शायद। देखिए गलती तय करने वाला कोर्ट बैठा है, हम और आप नहीं है। 2016 में फरहाद हकीम साहब ने टोपी पहन करके ये कहा था कि ये है हमारा मिनी पाकिस्तान, तो मुझे ऐसा लगता है कि फरहाद हकीम के आगे पीछे दो मुस्लिम ऐसे काउंसिलर हैं जो बाल में जेल लगा करके सबकी तकदीर पे भी जेल लगा रहे हैं। कौन से काउंसिलर? वो तो नाम मेरा कल पिटीशन फाइल हो रहा है हाई कोर्ट में, वो नाम आ जाएगा। दो काउंसिलर ऐसे हैं मुसलमान जिनके घर के नीचे ऑडी फरारी BMW रेंज रोवर हाथ में का एयरप्लेन का फ्लाइट, एक काउंसिलर के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मोमिनपुर के कॉम्युनल वायलेंस पर NIA के साथ साथ उस दो काउंसिलर को ED को भी उठाना चाहिए, अपने आप पता चल जाएगा कि कहां से वो पैसा आ रहा है कहां से। क्योंकि देखिए हम लोग भी इस पॉलिटिकल मैदान में 12 साल से हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम गाड़ी भी लेते हैं तो लोन पर लेते हैं, हम घड़ी भी लगाते हैं तो 10,000 की लगा पाते हैं, इससे ज़्यादा हमारी औकात ही नहीं है। लेकिन ये रोलेक्स, ये ओमेगा, ये BMW, बाल में जेल, अरे नहीं, पता तो लगना चाहिए ना कि ये हराम का पैसा जनता का पैसा कहाँ आ रहा है और अय्याशी कौन कर रहा है। अब बेचारे RSS, देखिए खिदरपुर मटिया ब्रुज कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि पोर्ट एरिया में इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन हो, विधानसभा इलेक्शन हो, कॉरपोरेशन इलेक्शन हो, भारतीय जनता पार्टी जाकर के एक मीटिंग नहीं कर पाती है बेचारी, भारतीय जनता पार्टी एक मिचिल नहीं कर पाती है बेचारी, भारतीय जनता पार्टी एंटर नहीं कर पाती है बेचारी, तो RSS कहाँ से एंटर कर दिया, कैसे एंटर कर गया भाई? हमारे लिए मीटिंग अगर रखी भी जाती है तो हमें पहले फोन आ जाता है पुलिस डिपार्टमेंट से कि ज्यादा भड़काओ भाषण मत दीजिएगा। तो जब हमारे स्पीच को, हमारे मुंह को बंद कर दिया जाता है, हमारा मंच नहीं सजने दिया जाता है, हमारे लिए माइक नहीं लगाने दिया जाता है, हमें एंटर नहीं करने दिया जाता है, तो कहाँ से हो गया भैया, कैसे हो गया, RSS कैसे चले गए? ये सब कॉन्कॉक्टेड स्टोरी है। एक्चुअली में फरहाद हकीम कामयाब हुआ है पोर्ट एरिया को पाकिस्तान बनाने में, पाकिस्तान अजमल कसब देता है और पोर्ट एरिया में फरहाद हकीम भी ऐसे आतंकवादियों को पैदा कर चुका है। देखिए फरहाद हकीम क्या करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आना सामने है। कल भी शुभेंदु दा ने बहुत अच्छे से कहा है कि नौबन्ना अभियान के बाद जिस तरह से पुलिस ने CCTV फुटेज देख देख करके लोगों को 25 दिन तक अरेस्ट किया, हमारे पास भी CCTV का विजुअल आया है, हमारे पास भी बहुत सारे प्रूफ आए हैं, हमारे पास भी कोर्ट में रखने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और वीडियोज़ हैं जो हम रखेंगे आगे चल करके। और मुझे उम्मीद तो नहीं है यहाँ की सरकार और यहाँ की पुलिस से, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर NIA और ED इंटरफेयर करता है तो वो सारे लुंगी वाले जरूर अरेस्ट होंगे, बिल्कुल अरेस्ट होंगे, होना भी चाहिए।